नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं दीपक डोभाल, शुरुआत हेडलाइंस के साथ। त्राल एनकाउंटर में हिजबुल कमांडर सबजार अहमद ढेर, श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद, न्यायिक क्षेत्र की सिविल सेवा परीक्षा स्थगित। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों का ऐलान आज, जारी रहेगी मॉडरेशन नीति, सीआईएसईसी के 10वीं और 12वीं के नतीजे कल। जीका वायरस का भारत में बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने की अहमदाबाद में 3 मामलों की पुष्टि, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सावधानी बरतने की सलाह। मॉरिशस को 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा भारत, समुद्री सुरक्षा समेत 4 समझौते, दोनों देशों का साझेदारी बढ़ाने पर जोर। G7 शिखर बैठक में अलग थलग पड़ा अमेरिका, 7 में से 6 देशों ने पेरिस संधि के पालन का दोहराया संकल्प, साझा बयान पर सहमति नहीं। जम्मू कश्मीर में कल 2 अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ में सेना ने 8 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में हिजबुल का कमांडर सबजार अहमद बट भी शामिल है। सेना का तलाशी अभियान जारी है। ताजा प्रदर्शन के बाद घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना ने शनिवार को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सबजार अहमद डार समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। शुक्रवार को आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर हमला किया, जिसके बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। 2 से 3 मिलिटेंट की हमें इनपुट मिली थी, उसके आधार पर हमने कॉर्डन किया। इसके अलावा बारामूला के रामपुर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और मुठभेड़ में 6 आतंकियों को मार गिराया। फेंस के अंदर नहीं, जंगल के अंदर आए थे, जंगल से, और फेंस थोड़ा दूरी में था। हमने फेंस पहुंचने से पहले ही उनको हमने एंगेज करके उनको एलिमिनेट कर दिया। एंड दी ऑपरेशन लास्टेड फॉर सम टाइम एंड वी आर एबल टू एलिमिनेट ऑल 6 टेररिस्ट हु वर ऑफ फॉरेन ओरिजिन। हिजबुल के कमांडर सबजार के मारे जाने के बाद त्राल और पुलवामा समेत दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में पत्थरबाजी और प्रदर्शन शुरू हो गया। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में अनंतनाग में 1 व्यक्ति घायल हो गया। राज्य में एक बार फिर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। फिलहाल घाटी में हालात तनावपूर्ण हैं। शुक्रवार को उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम कर दिया था और घुसपैठियों को मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर सबजार अहमद भट्ट के मारे जाने के बाद घाटी में तनाव है। इस बीच प्रशासन ने रविवार से श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों में एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया है। ये इलाके हैं करकाल खुद, खान्यार, रेनावारी, सफाक दल, महाराजा गंज, मौसुमा और नौहटा। वहीं जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने रविवार को होने वाली जम्मू कश्मीर सिविल सेवा न्यायिक प्रतियोगी परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। अलगाववादियों के आज से 2 दिन के बंद के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर समुद्री सुरक्षा समेत कई समझौते हुए। भारत यात्रा पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने शनिवार को दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई। इसमें आपसी सहयोग और समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। साझा बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्रोजेक्ट ट्राइडेंट के तहत मॉरिशस के एनएसजी को अपनी क्षमता का विस्तार करने में सहयोग कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर जगन्नाथ एंड आई एग्री दैट इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कलेक्टिव मैरिटाइम सिक्योरिटी अराउंड अवर कोर्स एंड इन अवर ईईजेड्स। भारत ने मॉरिशस को 50 करोड़ डॉलर की मदद मुहैया कराने का ऐलान किया। इस मौके दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समेत 4 करार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों के तटों के आसपास
ईईजेड और समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना साझा जिम्मेदारी है। द एग्रीमेंट टुडे ऑन ए 500 मिलियन यूएस डॉलर्स लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंडिया टू मॉरिशियस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ अवर स्ट्रांग एंड कंटिन्यू कमिटमेंट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मॉरिशस के बीच एक मजबूत द्विपक्षीय सहयोग है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया। वी हैव डेवलप्ड ए स्ट्रांग बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति से भी अलग अलग मुलाकात की। इससे पहले सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे। हालांकि प्रशासन की सख्ती के चलते वो हिंसाग्रस्त शब्बीरपुर नहीं जा पाए। इसके बावजूद राहुल ने बॉर्डर के पास ही पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर कानून व्यवस्था कायम करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस दौरे को यूपी प्रशासन से इजाजत नहीं मिली थी। इसके बावजूद राहुल पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर होते हुए सड़क मार्ग से सहारनपुर पहुंचे। हरियाणा यूपी सीमा पर उनके काफिले को प्रशासन ने रोक दिया। इसके बाद राहुल ने पैदल ही सहारनपुर की सीमा में प्रवेश किया। राहुल गांव तो नहीं जा पाए, पर पास ही के ढाबे में उन्होंने कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में पूरी तरह से विफल रही है। आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति के लिए जगह नहीं, दलितों को खोजा जा रहा है, दबाया जा रहा है। और ये सिर्फ सहारनपुर में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। इससे पहले शबीरपुर जाने की कोशिश के दौरान उनकी अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। किस रूल पे आप मुझे स्टॉप करते? सर वो चूंकि नहीं, आप मुझे कह रहे हो बॉर्डर पे स्टॉप करते, कौन से कानून, कौन सा कानून यूज करते आप? कांग्रेस के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत राहुल को गांव नहीं जाने दिया गया। हमको मालूम था कि प्रशासन ये हरकत करेगा और जो पीड़ित परिवार है उनको भी जानकारी थी, इसलिए पीड़ित परिवार यहाँ पर खुद आ गए और राहुल जी को अपनी व्यथा सुनाई, किस तरीके से प्रशासन की जाति और जो अपराधी हैं उनको संरक्षण सरकार का और पुलिस का, जिला प्रशासन का संरक्षण, वो सब उन्होंने बताया। जम्मू कश्मीर राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी थे। कि सहारनपुर अगर गए ठीक है, उसमें कोई हर नेता की बात बनती है, वो जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर संतुलन आ रहा है तो उन्हें भी इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि वहां की संतुलन ना बिगड़े, नहीं तो प्रश्न उन पर भी उठेंगे। सहारनपुर में पिछले कई हफ्तों से जातिगत तनाव बना हुआ है। 5 मई को इलाके में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि इसके बाद 23 मई को फिर भड़की हिंसा में एक और व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ये एक गैर राजनीतिक मुलाकात थी। उन्होंने गंगा संरक्षण के लिए स्पेशल पैकेज, बिहार से जुड़े मुद्दों और विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में प्रधानमंत्री से बात की। नीतीश कुमार ने कहा कि उनके दिल्ली दौरे का मकसद मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में हुए भोज में शामिल होना और बिहार की समस्याओं की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाना था। ईवीएम हैकाथॉन की शर्तों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपत्ति पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने कभी वादा नहीं किया था कि ईवीएम चैलेंज बिना किसी नियम और शर्त के होगा। चुनाव आयोग ने साफ किया कि जिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और प्रशासनिक सुरक्षा के तहत इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को रखा जाता है,
ईवीएम चैलेंज के दौरान उन स्थितियों से समझौता नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इंटरनल सर्किट का बदला जाना डिवाइस को ही बदले जाने के समान है। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में नीति आयोग के पुनर्गठन की मांग हुई है। मजदूर संघ का कहना है कि नीति आयोग में कर्मचारी जगत, महिलाओं और किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित किया है। मजदूर संघ ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो शीतकालीन सत्र में संसद का घेराव किया जाएगा। मजदूर अपना ज्ञापन लेकर आया है, कृपया करके उनकी बात सुनिए और अगर नहीं सुनेंगे तो नवंबर में भारतीय मजदूर संघ पार्लियामेंट का घेराव करेगा, 5 लाख लोगों को, मजदूरों को लेकर के, और दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने मीडिया कर्मियों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए तीसरा प्रेस आयोग बनाने की मांग की। मजदूर संघ ने देश के जीडीपी के विकास मॉडल को पूरी तरह असफल बताया। थर्ड प्रेस कमीशन बनाओ, ताकि 1956 के बाद 1980 में प्रेस कमीशन बना था, उसकी कुछ रिकमेंडेशन आई थी। 1980 के बाद मीडिया का चेहरा बदल गया बहुत सारा, उसमें केवल प्रिंट मीडिया था। आज कौन कौन सा मीडिया बाजार में है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। तो प्रेस कमीशन आएगा तो कुछ रिकमेंडेशन आएगी तो कानून में सुधार होगा। भारतीय मजदूर संघ कामगारों के हितों के लिए देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। जब दिल ही टूट गया करेंगे, जब दिल ही टूट गया, मिटती आस है जो सखियन की, समझ गई तो गई, करूं क्या आस निराश भई, रूप नगर की हिंदुस्तानी फिल्मों के महानायक कुंदनलाल सहगल की बेजोड़ पारी की दास्तान देखिए विरासत में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। लोक कलाओं का रंगारंग कार्यक्रम। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पास, जहां लोक रंग उत्सव पहुंच रहा है अपने 10वें वर्ष में। यहां सुने जा सकते हैं लोकगीत और देखे जा सकते हैं लोक नृत्य, तो कहीं नाटक का अनोखा संगम। सुना दिया हमने अपना, दसवें लोक रंग पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। ये 32वां मौका होगा जब वो जनता से अपने मन की बात करेंगे। इससे पहले वो इस कार्यक्रम में 30 अप्रैल को लोगों से मुखातिब हुए थे। इसमें उन्होंने वीआईपी कल्चर को छोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र देश ही नहीं बल्कि वैश्विक परिवेश और अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं उनके लिए भी है। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों का ऐलान आज किया जाएगा। इसमें मॉड्यूलेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा। इस साल सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के 11 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। ऐसे में उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए परिणाम आने का इंतजार कर रहे छात्रों को भी राहत मिलेगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस साल से सीबीएसई ने छात्रों को नंबर बढ़ाकर देने की पॉलिसी यानी मॉड्यूलेशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया था। सीबीएसई के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने सीबीएसई से मॉडरेशन पॉलिसी को जारी रखने का निर्देश दिया। पहली बार देश में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। सभी मामले गुजरात के बापूनगर इलाके से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अहमदाबाद में इसके 3 मामलों की पुष्टि की है। इसमें एक गर्भवती महिला शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीका वायरस की पुष्टि करते हुए कहा कि लैब की रिपोर्ट में अहमदाबाद के 3 लोगों में जीका वायरस मिला है। ये नतीजे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी से आए हैं। 10 से 16 फरवरी 2016 के बीच बीजे मेडिकल कॉलेज में रक्त के कुल 93 नमूने लिए गए थे, जिसमें से 64 साल के एक पुरुष का नमूना जीका वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया। गुजरात के AFI निगरानी के जरिए रिपोर्ट किया जाने वाला पहला जीका पॉजिटिव मामला था। BJMC अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देने वाली महिला में जीका संक्रमण का पता चला है। जीका वायरस नी जे अत्यारे हाल चर्चा चाले छे तेमा अगाउ केटलाक महिनाओ पहला गुजरात नी अंदर आ केसो आव्या हता अने जे WHO नी गाइडलाइन्स प्रमाणे भारत सरकारे जे पण सूचनाओ आपी हती एना पूरेपूरा पगला लीधा अने तेना भागरूपे ए पछी एक पण जग्याए बीजी जग्याए कोई केस तेनो देखायो नथी। झारखंड के हजारीबाग में एक रोटी बैंक बनाया गया है। इस शानदार पहल से जुड़े लोगों की कोशिश है कि शहर में कोई भूखा न सोए। ये रोटी बैंक रोजाना सैकड़ों गरीब और लाचार लोगों को खाना मुहैया करा रहा है। हजारीबाग के स्कूलों में ये नजारा आम है। लाइन में लगे ये छात्र अपने लंच बॉक्स का अतिरिक्त खाना रोटी बैंक में जमा करा रहे हैं। रोटी बैंक इस खाने को जरूरतमंदों तक पहुंचाएगा। जिन लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग तो अपनी मम्मी से बनवाते हैं और हम लोग खुद से भी बनाते हैं, और अगर खुद से नहीं बना पाए तो या तो खरीद के लाते हैं या फिर किसी फ्रेंड को बोल देते हैं और वो लोग लाके डोनेट करवा देते हैं। रोटी बैंक को शहर के मोहम्मद खालिद और राम मंडलेश्वर ने करीब 2 साल पहले शुरू किया था। इससे जुड़े लोग स्कूली बच्चों को रोज अपने टिफिन में एक रोटी अतिरिक्त लाने को प्रेरित करते हैं। आज इस मुहिम से शहर के सैकड़ों लोग जुड़े हैं। इसके लिए हम लोग ने रोटी में स्कूल के बच्चों से दान लेने के लिए प्राथमिकता दिया, क्योंकि अगर स्कूल के बच्चे शुरू से अगर दान करने के अंदर उनके अंदर ये प्रवृत्ति अगर हम लोग वो डेवलप कर देते हैं, वो विकास कर देते हैं, तो वो बच्चे फिर वो सब समाज सेवा बन जाएंगे। रोटी डोनेट करने से मुझे लगता है कि मेरे पास है तो मेरा रोटी अगर किसी को काम आ जाए, कोई गरीब तड़प रहा है खाने के लिए और हमारे पास है तो कुछ करना चाहिए। रोटी बैंक फिलहाल हजारीबाग में रोजाना करीब 1000 लोगों को खाना मुहैया कराता है। इससे इलाके में भूख से होने वाली मौत के मामलों में कमी आई है। हमरा मिल रहा है जो रोटी भात जो है से बचा कर हमरो मिल रहा है। दुख से आया है अपन तकलीफ से। हालांकि ये देश का पहला रोटी बैंक नहीं है। इससे पहले बुंदेलखंड में भी इस तरह की पहल हो चुकी है, लेकिन दूसरे शहरों में भी इस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है। रोटी बैंक एक अनोखा बैंक है जहां डिपॉजिट करने वाले को खुशी मिलती है और विड्रॉ करने वाले की भूख मिटती है। अब हजारीबाग के लोगों की एक कोशिश है कि इस सुविधा को और बढ़ाया जा सके ताकि कोई भी जरूरतमंद इंसान भूखा ना रह सके। हजारीबाग से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 122 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग लापता हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी बारिश और बाढ़ के हालात और खराब हो सकते हैं। वहीं भारतीय नौसेना का दूसरा पोत भी राहत सामग्री लेकर श्रीलंका पहुंच गया है। ये तबाही की तस्वीरें श्रीलंका की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से भीषण बाढ़ आ गई है। यहां के 7 जिलों के सैकड़ों गांव में पानी भर गया है और करीब करीब 20,000 लोगों पर इसका असर हुआ है। श्रीलंका सेना राहत कार्य में जुटी है, लेकिन दूर दराज की जगहों पर अभी भी पहुंच पाना संभव नहीं है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र के दूसरे देशों से मदद की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
भारतीय नौसेना के दो जहाज राहत सामग्री के साथ श्रीलंका रवाना हुए। इसमें से एक शनिवार सुबह श्रीलंका पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान में शनिवार को दो अलग अलग हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई। खोस्तम प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने सैनिक अड्डे के नजदीक एक फुटबॉल मैदान में कार को उड़ा दिया, जिससे 14 लोगों की जान गई। इधर बदगीस के उत्तर पश्चिम प्रांत में एक दूसरी घटना में कादीस जिले में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में 6 सुरक्षा बल और 8 नागरिक मारे गए। इस दौरान 22 आतंकवादी भी मारे गए। अफगानिस्तान में इस हफ्ते हुआ यह तीसरा हमला था। नेपाल के 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन ने तराई क्षेत्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के विरोध का ऐलान किया है। तराई में 14 जून को दूसरे दौर के लिए वोट डाले जाने हैं। गठबंधन ने 2 और 3 जून को बंद का भी ऐलान किया। राजनीतिक दलों के मुताबिक मधेसियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने तक उनका विरोध जारी रहेगा। उनका आरोप है कि तराई क्षेत्र के हजारों लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया। नेपाल में दरअसल 2 दशक बाद स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, जिसका मकसद राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करना है। G7 देशों के शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर एक साझा घोषणा पत्र जारी करने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। समूह के 6 सदस्य देशों ने पेरिस संधि का पालन करने की बात दोहराई, लेकिन अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस बारे में अगले हफ्ते फैसला करेंगे। हालांकि सभी 6 सदस्य देशों का कहना है कि अमेरिका का फैसला जो भी हो, लेकिन पेरिस संधि बरकरार रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। ये सम्मेलन इटली के सिसिली शहर में हुआ। और अब बात खेल की। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से शुरू होने जा रहा है। दिग्गज खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। वहीं पिछली बार के विजेता नोवाक जोकोविच इस बार फ्रेंच ओपन में अपना खिताब बचाने उतरेंगे। सबकी नजरें एंडी मरे और राफेल नडाल पर भी टिकी होंगी। वहीं महिला एकल में पिछली बार की चैंपियन गर्बाइन मुगुरुजा भी खिताब बचाने के लिए उतरेंगी। उधर भारतीय खिलाड़ी भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और अमेरिका की सेरेना विलियम्स समेत टेनिस के कई बड़े खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। 15 महीनों बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी करने वाली रूस की मारिया शारापोवा इस टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड नहीं दिए जाने की वजह से हिस्सा नहीं ले पाएंगी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 28 मई से 11 जून तक चलेगा। टीम इंडिया आज न्यूजीलैंड के साथ अभ्यास मैच खेलेगी। सभी की नजरें ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर टिकी रहेंगी। टीम इंडिया ने नेट पर जमकर पसीना बहाया, वहीं युवराज सिंह बुखार के चलते प्रैक्टिस करने नहीं आए। भारत ने अपना पिछला वनडे इंटरनेशनल इंग्लैंड के खिलाफ जनवरी में खेला था, जिससे इस प्रैक्टिस के जरिए टीम को वनडे फॉर्मेट से तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। 1 जून से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है। 4 जून को टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। क्लासिक हिंदी फिल्मों का जिक्र जब भी होता है तो महबूब खान का नाम सबसे पहले जहन में आता है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भी उनकी फिल्मों की कायल है। महबूब खान ने हिंदी सिनेमा की सर्वकालिक महान फिल्म मदर इंडिया का निर्माण और निर्देशन किया था। दरअसल मदर इंडिया उनकी ही बनाई फिल्म औरत का रीमेक थी। महबूब खान की आज पुण्यतिथि है, ऐसे में याद करते हैं इस बेमिसाल फिल्म मेकर को उनकी फिल्मों के कुछ गीतों और दृश्यों के जरिए। बाप शेर तो बेटा सवा शेर, भतीजे इसमें चचा का भी हिस्सा है। तुमने कौन ताल चलाए? अरे बेटा, मैंने तुम्हारे बाप की जिंदगी में 500 रुपए का हल चलाया है, मालूम? क्या तुम चोर है? मैं चोर हूँ? कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन दिन बजाता जाऊं, तू कहे अगर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हमारे
मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। और आखिर में हेडलाइंस एक बार फिर से। त्राल एनकाउंटर में हिजबुल कमांडर सबजार अहमद ढेर, श्रीनगर के साथ थाना क्षेत्र में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद, न्यायिक क्षेत्र की सिविल सेवा परीक्षा स्थगित। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों का ऐलान आज, जारी रहेगी मॉडरेशन नीति, सीआईसीसी के 10वीं और 12वीं के नतीजे कल। जीका वायरस का भारत में बड़ा खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने की अहमदाबाद में 3 मामलों की पुष्टि, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सावधानी बरतने की सलाह। मॉरिशस को 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा भारत, समुद्री सुरक्षा समेत 4 समझौते, दोनों देशों का साझेदारी बढ़ाने पर जोर। G7 शिखर बैठक में अलग थलग पड़ा अमेरिका, 7 में से 6 देशों ने पेरिस संधि के पालन का दोहराया संकल्प, साझा बयान पर सहमति नहीं। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।